पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कदावर नेता सुषमा स्वराज का मंगलवार की देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 67 वर्ष की थीं। सुषमा स्वराज के परिवार में उनके पति राज कौशल और उनकी बेटी हैं। मंगलवार शाम को केंद्र सरकार को ट्वीट कर अनुच्छेद 370 हटने पर बधाई देने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उन्हें बेहद नाजुक हालत में एम्स में देर रात 10:15 में भर्ती कराया गया। सुबह 11 तक उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 12 से 3 तक कार्यकर्ताओं और लोगों द्वारा अंतिम दर्शन के लिए सुषमा जी के पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा। दोपहर 3 उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और लोधी रोड के शव दाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।